शहर के बर्मस्या स्थित चिल्ड्रन पार्क में कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता सह समाज सेवी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चौथी पुण्यतिथि पर शनिवार को एक रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 31 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। यह नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन और आजाद हिंद सेना के संयुक्त तत्वाधान में यह शिविर संचालित हुआ। इस रक्तदान शिविर में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शिविर में प्रकाश सहाय समेत कई गणमान्य लोगों ने रक्तदान कर सामाजिक कार्य में अपना अहम योगदान निभाया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस बाबत उनके भाई अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा मंटू ने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनके याद में हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर शिविर का आयोजन किया जाता है। इधर रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा एक अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे और सामाजिक क्षेत्र में भी उनका नाम था। कोरोना काल में उन्होंने लोगों की काफी मदद की थी। आज वह हमारे बीच नहीं है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आजाद हिंद सेना के शिवम आजाद ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि एक अच्छे समाज सेवी आज हमारे बीच नहीं है, उनसे मुझे काफी कुछ सीखने का मौका मिला है। उनके बताए गए मार्गों पर चलकर आज हम लोग भी समाज सेवा लोगों के बीच में कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिवक्ता अंजनी सिन्हा, विकास सिन्हा, डॉक्टर एस के सिंह, पत्रकार अभिषेक सहाय, अधिवक्ता जयप्रकाश राय, संतोष राय, विनोद शर्मा, अमित देव, आयुष सिन्हा, वैद्यनाथ पाल, राजकुमार राज, रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव विवेश शालान, मदन लाल विश्वकर्मा सहित स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के परिवारजन मौजूद थे। आज मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिन्हा का चौथी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन एवं आजाद हिंद सेना के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हम लोग विगत 4 वर्षों से लगातार नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से लगातार हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं और हर वर्ष हम लोग लगभग 30-35-40 लीटर के ब्लड देते हैं। और नरेंद्र सिन्हा जो यहाँ गिरिडीह के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके याद में प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ बड़ा कार्यक्रम होते रहता है। हर महीना कोई न कोई कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं और आगे भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की पुण्यतिथि पर आज जिला स्वास्थ्य समिति और रेडक्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर लोग स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। आज रक्तदान के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाने का, लोगों को नया जीवन दान देने का प्रयास किया जा रहा है और ये नरेंद्र सिन्हा जी के प्रति श्रद्धांजलि है लोगों की। और हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएँ ताकि आपके 1 यूनिट रक्त से किसी को नया जीवन दान मिल सके। आज हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया है जो हर वर्ष लगाया जाता है। उनकी मृत्यु से हुई क्षति को हम लोग तो क्षतिपूर्ण नहीं कर सकते हैं, मगर रक्तदान करके आज वो जहाँ भी हैं उनको हम लोग ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि अपना रक्त दे करके हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा जी एक अच्छे समाज सेवी थे जिसकी क्षति पूरे गिरिडीह को हुई है उनके नहीं रहने से। आज ब्लड दे करके हम लोग उनको महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब दांतों की गंभीर से गंभीर समस्या से निजात पाना हुआ बेहद आसान, वो भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से। जी हाँ, आपने सही सुना, आधुनिक उपकरणों से लैस पचम्बा मेन रोड स्थित गिरिडीह का टॉप क्लास इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर परहत जबीर के द्वारा मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा सेंटर, ऑर्थोडोंटिक सेंटर, रूट कैनल सेंटर तथा डेंटिस्ट्री के माध्यम से टूटे हुए जबड़े तथा टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करना एवं सड़े हुए दांत, पायरिया, मुंह के कैंसर का इलाज 32 और कृत्रिम दांत बड़े ही कम समय और कम खर्च में किया जाता है। तो अब देर किस बात की, आइए और दीजिए अपने दांतों को चमचमाता हुआ स्वस्थ रूप। तो पता याद रखें, मेन रोड पचम्बा गिरिडीह।